हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में आपका ये लेक्चर जो होगा कम्प्लीटनेस होगा इसके पिछले लेक्चर्स का। इसमें डियर स्टूडेंट्स कुछ टेक्निकल इशू के कारण हम आपका इसमें इस क्वेश्चन का सेक्शन बी सेक्शन जो है इसमें हमने जैसा कि स्टार्टिंग में बता रखा था कि इसमें हमारे क्वेश्चन जो होंगे दो सेक्शन में होंगे। इसमें हमने ए सेक्शन का ए पार्ट इस क्वेश्चन का हमने डिस्कस कर पाया था और इसमें डियर स्टूडेंट्स वीडियो हमको ड्रॉप करना पड़ा था बीच में। तो इस लेक्चर में हम आपका इस क्वेश्चंस का सेकंड क्वेश्चन इसमें सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स आपका सेकंड क्वेश्चन जो पूछा है इस क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है फाइंड पोजिशन वेक्टर एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड। ठीक है, यहाँ पर आपको वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंजिंग दिया है क्योंकि डियर स्टूडेंट्स वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो यहाँ पर एक्सीलरेशन आपका यूनिफॉर्म नहीं होगा। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन नहीं होगा तो आप यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का फार्मूला यहाँ पर नहीं अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नहीं कर पाओगे। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें फार्मूला कौन सा अप्लाई करोगे, इसमें फार्मूला आप अप्लाई करोगे सोल्यूशन इसका देखते हैं हम। इसको चाहो तो खुद से सॉल्व कर सकते हो डियर स्टूडेंट्स। अगर आपका फार्मूला चेंज होता है अगर आपका एक्सेलरेशन चेंज होता है तो इसके लिए हमारा फार्मूला होता है वी इज इक्वल टू, इसमें हम आपको डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन मेथड बताए थे। ठीक है, इसके पहले के लेक्चर्स में। तो डियर स्टूडेंट्स वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं क्या, डी एस बाई डी टी, और यहाँ से हम डी एस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वेरी इजली वी इंटू डी टी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से डियर स्टूडेंट्स इसका इंटीग्रेशन ले लें दोनों साइड, तो डी एस इज इक्वल टू वी dt हो गया आपका। ठीक है, यहाँ ds डियर स्टूडेंट्स ds जो है s है, 1ds का s आएगा इंटीग्रेशन, और s इज इक्वल टू यहाँ से आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ v dt। और डियर स्टूडेंट्स s को हम लिख सकते हैं, ds क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम rf माइनस ri लिख सकते हैं। ठीक है, rf आपका फाइनल पोजीशन वेक्टर होता है और ri आपका इनिशियल पोजीशन वेक्टर होता है। तो डियर स्टूडेंट्स एस को आर एफ माइनस आर आई लिख सकते हो, इसको हमने पीछे बता रखा है, पीछे के लेक्चर्स में इस कॉन्सेप्ट को हमने बता रखा है। ठीक है, कैसे लिख सकते हो, तो आर एफ माइनस आर आई इज इक्वल टू यहाँ से आपका मिल गया इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, है ना। अब डियर स्टूडेंट्स वी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ से आर एफ माइनस आर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में v की वैल्यू की मैंने 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप। ठीक है, यहाँ डियर फ्रेंड्स टाइम आपका 0 to 2 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा टाइम आपका t इज इक्वल टू 0 ऑलरेडी गिवन है और आपको 2 सेकेंड पर फाइंड आउट करना है इसकी पोजीशन, इसके कोऑर्डिनेट्स जो फाइंड आउट करने हैं t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर। तो इनिशियल टाइम आपका 0 है, फाइनल टाइम आपका 2 है। ठीक है, तो ये लिमिट हो गई आपकी। अब इसको सॉल्व करें तो इसका डियर स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन आपको करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पर डी टी भी है। ठीक है, तो यहाँ से आप 2 × t का इंटीग्रेशन करोगे तो t² / 2 आएगा, तो t² / 2 में डियर स्टूडेंट्स t² / 2 आएगा, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आपका मिलेगा t² i का। ठीक है, प्लस यहाँ से डियर फ्रेंड्स इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 3 × t² का इंटीग्रेशन करोगे तो t³/3 आएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो गए, यहाँ पर आएगा t³j का। ठीक है, यहाँ से आपका आएगा t² i का प्लस t³j का, यहाँ लिमिट होगी आपकी 0 to 2। ठीक है, आर एफ आपको फाइनल टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर, आर एफ आपका 2 हो गया, माइनस आर इज इक्वल टी इज इक्वल टू 0 पर आर 0 हो गया। ठीक है, यहाँ डियर स्टूडेंट्स ये पोजिशन वेक्टर्स हैं, आर 2 माइनस आर 0 इज इक्वल टू आपको मिला, यहाँ से 2 इसकी वैल्यू रखोगे तो यहाँ आपको मिलेगा 4i का, यहाँ पर 2 इसकी वैल्यू रखोगे तो यहाँ से 2³ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8j का। ठीक है, तो यहाँ से r2 इज इक्वल टू
आर नॉट अगर इधर कर दें तो आर नॉट प्लस आपको मिला 4i का है प्लस 8j का है ना। अब ये स्टूडेंट्स आर नॉट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, t इज इक्वल टू जीरो टाइम पर आपका कोऑर्डिनेट इसने दे रखा है 2 मीटर और 4 मीटर। यहाँ 2 मीटर एलॉन्ग एक्स होगा, 4 मीटर इसका पोजिशन जो होगा एलॉन्ग वाई होगा, ठीक है। तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं आर नॉट की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, आर नॉट की वैल्यू लिख सकते हैं 2i का प्लस 4j का, ठीक है, प्लस और इसकी वैल्यू हमको ऑलरेडी मिली है 4i का प्लस 8j का है ना। अब डियर स्टूडेंट्स इसको आप ऐड कर सकते हो, डायरेक्टली ऐड करके इसकी वैल्यू हम यहाँ लिख देते हैं तो आपको मिलेगा आर टू इज इक्वल टू 2 प्लस 4 2i कैप प्लस 4i कैप आपका 6i कैप हो गया प्लस 4j कैप 8j कैप आपका 12j कैप हो गया, ठीक है। तो ये डियर स्टूडेंट्स आर टू की वैल्यू हो गई इतना मीटर, ठीक है। आपको यहाँ क्वेश्चन में पोजीशन फाइंड आउट करना था तो यहाँ पोजीशन मिल गया एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो इस इन पर कोऑर्डिनेट्स डियर स्टूडेंट्स आई कैप का मतलब एक्स का आई कैप का जो कोएफिशिएंट है 6 है, इसका मतलब ये एलॉन्ग एक्स होगा 6, क्योंकि आई कैप क्या होता है एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है। तो यहाँ से इनके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इनके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 6 मीटर एंड 12 मीटर, ठीक है, 6 मीटर और 12 मीटर इनके कोऑर्डिनेट हो गए। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको अब इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कहीं कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स बहुत ही इजी होता है, आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है, और जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस ट्राई करेंगे सॉल्व करने का उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा और डियर स्टूडेंट्स आपका जो टाइम टेकन होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का वो भी रिड्यूस होगा। तो इस लेक्चर में हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, यह आपका कंप्लीटनेस लेक्चर था डियर स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर्स का, इसमें ये हमारा ड्रॉप हो गया था ये क्वेश्चंस, तो इसमें ये कंप्लीट हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स हम इस लेक्चर को यहाँ पर स्टॉप करेंगे और आप लोग मेहनत करें इनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।